आज मैं आपको अलाइन कमांड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये कमांड एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ है और ये एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ की हुई है। मैं अलाइन कमांड देती हूँ। अलाइन कमांड की शॉर्टकट की है AL, एंटर। मैंने इस स्क्वायर को सिलेक्ट किया, एंटर। स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पॉइंट, मैं इस पॉइंट पे क्लिक करती हूँ। फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट, मैं इस पॉइंट पे क्लिक करती हूँ। सेकेंड सोर्स पॉइंट, मैंने यहाँ क्लिक किया। और सेकेंड डेस्टिनेशन पॉइंट, मैं इस लाइन पे कहीं पे भी क्लिक करती हूँ, एंटर। स्केल ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन अलाइनमेंट पॉइंट। क्या क्वेश्चन आ रहा है कि आपको इस स्क्वायर को स्केलिंग करना है क्या, आपने जो दो बेस पॉइंट दिए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो मैं पहले आपको स्केलिंग का ऑप्शन नो करके बताती हूँ, बाद में यस करके बताती हूँ। अब मैंने ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ नो। ओके, तो किसी भी प्रकार का स्केलिंग नहीं हुआ। जैसा यहाँ पे स्क्वायर था वही साइज का स्क्वायर यहाँ पे अलाइन हुआ। ओके, मैंने फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट ये दिया था, इसलिए वो फर्स्ट पॉइंट उस स्क्वायर का यहाँ। अब हम स्केलिंग का ऑप्शन यस देके देखते हैं। कंट्रोल जेड करती हूँ मैं, फिर से अलाइन कमांड देती हूँ, AL, एंटर। मैंने स्क्वायर को सिलेक्ट किया, एंटर। फर्स्ट सोर्स पॉइंट, फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट, सेकेंड सोर्स पॉइंट मैंने ये दिया, और मैं सेकेंड डेस्टिनेशन पॉइंट देती हूँ इस लाइन का एंड पॉइंट। ओके, एंटर। और अब ये स्केलिंग के ऑप्शन को मैं क्लिक करती हूँ यस। मुझे स्केल करना है इस स्क्वायर को, किसके बेस पे, ये जो दो अलाइनमेंट के पॉइंट्स मैंने दिए थे उस बेस पे मुझे इस स्क्वायर को स्केलिंग करना है, यस। ओके, तो आपने देखा रहेगा ये जो दो पॉइंट्स दिए थे वो पॉइंट के साइज का वो स्क्वायर बन गया। तो इस तरह से आप अलाइन कमांड यूज कर सकते हैं और अलाइन कमांड में स्केल का ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हो।